नमस्ते बच्चों, मैं हूँ प्रीति। क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? अगर हाँ तो मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाती। आज की कहानी है शेर और एक चतुर लोमड़ी। एक बार की बात है, एक गुफा में एक शेर रहता था। एक सुबह वह उठा और जम्हाई ले रहा था। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसकी सांसों से बहुत दुर्गंध आ रही थी। शेर पागल हो गया और दूसरों के साथ इसकी जांच करना चाहता था, इसलिए वह गुफा से बाहर आ गया। शेर ने पास में एक गधे को खड़ा देखा। शेर ने अपना मुंह खोला और गधे से पूछा, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? गधा सादा विचारों वाला एक साधारण जानवर था। उसने कहा, हाँ शेर, आपकी सांस से बदबू आ रही है। शेर ने क्रोधित होकर गधे को मार डाला। तब शेर ने भालू को बुलाया और पूछा, क्या मेरी सांसें से बदबू आ रही है? भालू ने देखा कि गधे के साथ क्या हुआ था, तो उसने शेर की तारीफ करने की सोची और कहा, नहीं शेर, आपकी सांस बिल्कुल ठीक है। वास्तव में यह इत्र की तरह महकती है। शेर को पता चल गया कि भालू झूठ बोल रहा है और शेर ने उसे मार डाला। पास में एक लोमड़ी खड़ी थी। वह देख रही था कि क्या हो रहा है। उसे लगा कि शेर का दिमाग खराब हो गया है और अब शेर को जो भी जवाब देंगे आप मारे जाने वाले हैं। इसलिए उसने मौके से भागने की सोची, लेकिन शेर ने तुरंत उसे रोक दिया और लोमड़ी से उसकी सांस के बारे में पूछा। लोमड़ी के पास एक योजना थी और वह खांसने लगी। लोमड़ी ने कहा, ओ शेर, मुझे पिछले कुछ दिनों से सर्दी है, इसलिए मैं कुछ भी ठीक से सूंघ नहीं सकती। शेर को लोमड़ी को जाने देना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरी संगत और बुरी स्थिति से बचें। यदि आप किसी बुरी स्थिति में पड़ जाते हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जल्दी से उससे बाहर निकलने। तो बच्चों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। हम अगली कहानी में मिलेंगे।